एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस मेकअप लुक को आप जल्दी से देखो, ये मैंने कैसे किया। एंड उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अब देखो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है। गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ गाइस। ये लगाने से आपका जो पोर्स रहता है ना मिनिमाइज रहता है, सो टोनर हमेशा यूज़ करो। उसके बाद मैं नरिश करने के लिए अपने फेस को सिरम यूज़ कर रही हूँ। एंड ये रोज हिप का सिरम है और यहाँ पर मैं एक्चुअली मानसून के लिए मेकअप बेस कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं जेल बेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ, पॉन्ड्स का। ये बहुत ही लाइट जेल बेस क्रीम है। एंड गाइस इसका रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोडेड है। फाउंडेशन कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, दो तीन लेयर बना दो ताकि फाउंडेशन जो भी है ना आपके फेस के ऊपर में ही रहे, अंदर लेयर में ना जाए, आपके पोर्स में जाके जमा ना हो सके। सो गाइस इसलिए आप जब भी मेकअप करते हो ना प्राइमर ये सब ज़रूर यूज़ करना। यहाँ मैं प्राइमर की जगह मैं वहाँ पे सिरम में सब यूज़ कर रही थी। प्राइमर अगर आप नहीं है ना यूज़ करना चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर लो गाइस। सो यहाँ पे मैंने दो तीन स्टेप कर ली थी इसलिए मैंने प्राइमर को स्किप कर दिया था। एंड यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, फिटमी का फाउंडेशन है इन द सेट 122। और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं, मैंने ब्रश से इसे ब्लेंड किया। पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करी थी बट अब मैं कुछ दिन से ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना गाइस, मैं आपसे ऑनेस्टली बिल्कुल शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं NYB का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आपको जो जो पार्ट में कंसीलर का ज़रूरत है ना गाइस वहाँ पे कर लेना। यहाँ से मुझे आँख पे और आपके लिप एरिया में जो होता है ना और नोज़ के साइड में आप ज़रूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि बहुत कम वहाँ ब्लैक ब्लेमिसेस होता है। यहाँ पे मैं मास्टर स्टॉप क्रीम यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। ये काफ़ी अच्छा अल्ट्रा ग्लो देता है आपको अंदर से। आप अगर कंसीलर आप हाइलाइटर यूज़ नहीं भी करते हो ना तो ये आपका हाइलाइटर का काम पूरा फेस में कर देता है और एक शिमर पार्टिकल पूरे फेस में आपका ग्लोई ग्लोई सा कर देता है। इसका स्टॉप क्रीम भी आता है पर मैंने यहाँ पे स्टिक यूज़ किया है। एंड उसे भी मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ गाइस। एंड ब्लेंडिंग अच्छे से करना क्योंकि ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि वो अगर केकी रहेगा ना तो आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा मेकअप और बहुत जल्दी ना आपका मेकअप डल होने लगेगा। और यहाँ पे मैं फेस पाउडर से उसे सेट कर ले रही हूँ। मैं किस ब्यूटी का मैं यहाँ पे कॉन्ट्रिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ और अपने फेस को कॉन्ट्रिंग कर रही हूँ। और ये बहुत लाइट कलर इसलिए मैंने ना हल्का सा हुडा ब्यूटी के पैलेट से मैंने ब्राउन कलर को पिक करके अपने नोज़ एरिया में मैंने थोड़ा सा डार्क करके उसे लगाया और उसके अपोजिट साइड में दिया हुआ है कंसीलर। सो मैंने कंसीलर भी थोड़ा सा अप्लाई किया एंड ब्रश से मैंने अपने चिक और चिन एरिया को मैं ब्लेंड कर लिया। एंड आफ्टर दैट मैं अपने नोज़ एरिया को मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लश के लिए सेम हुडा ब्यूटी के पैलेट से रेड कलर को पिक की हूँ गाइस। एंड इससे मैं अपने ब्लश एरिया को ब्लशिंग कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो सारे स्टेप्स को इजीली फॉलो करोगे ना तो आप भी बहुत फ्लॉलेस बेस पे मेकअप कर पाओगे। एंड अगर आपका डेट है तो आप डेट पे ये मेकअप कर सकते हो, अगर आपका बर्थडे है तो आप अपने बर्थडे पे इसे मेकअप को पिक कर सकते हो। बहुत लाइट वेटेड है मेकअप, कोई हैवी मेकअप नहीं है ना, आईज़ का मेकअप ज़्यादा है। और यहाँ पर फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं एक ब्राउन कलर को पिक की हूँ और पूरे अपने आईलिड में लगा रही हूँ। मैं पूरे अपने आईज एरिया में कवर कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर ना थोड़ा सा चार्मिंग जैसा लगे। एंड गाइस अगर आप कम मेकअप में अच्छा दिखना चाहते हो, अगर आप ग्लैमरस मेकअप चाहते हो तो इस तरह से अगर आप करते हो ना तो आप ग्लैमरस भी लगोगे, मेकअप भी कम रहेगा। एंड आप इसे फॉलो कर सकते हो और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। एंड इस तरह से मैं पूरा ब्लेंड कर ले रही हूँ और इस ब्रश का अभी रिव्यू मेरे चैनल पे है, सो गाइज आप जाके देख सकते हो। और इस ब्रश का भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, ये दूसरा पैलेट का ब्रश है गाइज एंड वो दूसरा ब्रश था। यहाँ से मैंने ब्लैक कलर को पिक किया है एंड ब्लैक कलर से मैं ना यहाँ पर विंग निकाल रही हूँ नीचे ऊपर दोनों साइड में गाइज आप देख सकते हो। एंड इसे मैं यहाँ पर लाइनर अभी यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, लाइनर मैं सिर्फ ऊपर के पार्ट में ही लगाऊंगी। ये आउटर विंग जब मुझे क्रिएट करना है ना मैंने अपने शैडो से ही इसे क्रिएट किया क्योंकि मुझे हल्का टाइप का चाहिए था, कुछ विंग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसे आईलाइनर से नहीं मैंने इसे बल्कि अपने शैडो से किया। इस तरह का ब्रश अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं भी है ना तो आप कोई भी पतला वाला कुछ भी ब्रश या फिर अपने क्या कहती हूँ आईलाइनर के ब्रश से ही अपने शैडो पैलेट को में आप यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस वो आप नहीं भी करना चाहो तो आप अपने आईलाइनर से भी यूज़ कर सकते हो। या मैं ब्लू हेवन का सस्ता टिकाऊ सा आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा आईलाइनर है और बहुत ही साइन भी है इस आईलाइनर में। एंड यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत अच्छा है, छोटू सा पैक है, अगर आपको कहीं जाना है ना और हैवी मेकअप नहीं चाहिए बट ग्लिटरी साइन चाहिए आपको एक्चुअली ग्लिटर साइन रहता है ना तो आपका एक अलग टाइप का लुक लगता है गाइज। एंड इस तरह से मैंने हल्का सा ग्लिटर अपने आईलिड एरिया में लगा लिया है मैंने। एंड इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं था गाइज, मुझे याद तो नहीं है पर आई थिंक अंडर 150 या 200 का समथिंग, उतना भी था कि
वो भी याद नहीं आ रहा है, मैं लिंक डाल दूँगी आप देख लेना। मैंने अपने इंगेजमेंट के टाइम में ये लिया था एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। एंड अपने इनर कॉर्नर और अपने ब्रो बोन वो मैंने हाईलाइटन कर दिया। यहाँ पे NYBA का काजल यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये काजल बहुत सस्ता सा है एंड आपको जब ग्लैमरस मेकअप करना है ना, वाइट काजल को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। एंड इसका भी लिंक दे दूँगी, आई थिंक 80 रुपीज़ का था ये। एंड इस पूरी की हेल्प से अपने आईब्रोज को सेट कर रही हो। अगर आई मेकअप कर रहे हो ना, आईब्रोज को सेट नहीं करोगे तो बहुत ही बेकार लगता है गाइस, ट्रस्ट मी। एंड इस तरह से मैं ADS का सिंपल सा पेंसिल यूज़ कर रही हूँ गाइस, 10 रुपीज़ का पेंसिल है आई थिंक, हाँ 10 रुपीज़ का ही था। सो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने आईब्रो को मैं सेट कर ले रही हूँ। एंड आईब्रो को सेट कर लेना अच्छे से, एक्चुअली मेरा आईब्रो बना हुआ नहीं है, मैं बहुत दिन से भी आईब्रो बनवा नहीं रही हूँ, बस घर में किसी तरह सेट कर लेती हूँ जब मैं अपने फेस को सेविंग करती हूँ। एंड फेस सेविंग वाला वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड गाइस, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड DIYs भी बहुत सारे मेरे, उसे भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अगेन मैं वेट एंड वाइल्ड का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस हाइलाइटर इज जस्ट वाओ। आप इसे दिन के टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, रात के टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, बस लगाने का क्वांटिटी अलग होना चाहिए। एंड इसे मैं अपने छोटे से ब्रश से अपने चिक बोन पे, अपने क्यूपिड पे, बो पे एंड अपने चिन एरिया, नोज़ एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने फोरहेड पे थोड़ा सब जगह अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि वो थोड़ा ग्लोई ग्लोई सा लगे। एंड मुझे ग्लोई ग्लोई मेकअप पसंद है गाइस, ट्रस्ट मी। मुझे मैट वाला, मैट फिनिश मेकअप उतना कोई खास मुझे नहीं लगता है, एक्चुअली दूसरे को लगता होगा, बट आप लोगों को कैसा पसंद है मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना कि ग्लोई मेकअप पसंद है या मैट आपको पसंद है। एंड या फैन ब्रश के हेल्प से भी मैं पूरे जगह पे अच्छे से एकदम अपने फेस को हाईलाइटन कर ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं मेबलिन का अगेन स्टे पिंक, या स्टे पिंक था या इन द सेट 20 है, या पानियोर कलर कुछ है, पानियोर की पानियार आप जो भी पढ़ते हो गाइज, मैं यह लिंक दे दूँगी आप देख लेना। ये मैं क्या बोलूँ इस लिप कलर के बारे में, एक तो कलर इतना खूबसूरत एंड इसका क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है गाइज, मैं इतने दिन से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे जब भी मतलब क्या मैं बोलूँ, इसका लॉन्ग लास्टिंग, कितना भी खा पी लो कुछ भी हटने वाला नहीं है। बाकी कोई भी लिप कलर मैंने अभी तक यूज़ किया है ना, 2-3 घंटे में हट जाता है आप कुछ खाए पिए तो। एंड इसके बाद आप कितना भी कुछ खाओ, बिल्कुल कहते हैं ना दबा के खाना, वो वैसा भी आप खाते हो ना गाइस, उसके बाद भी ये लिप कलर जो है ना आपके लिप से हटने वाला नहीं जब तक आप इसे पूरी अच्छे से क्लीन ना करो। सो गाइस इस तरह से मैंने अपने लिप कलर को भी अप्लाई कर लिया है। आप ओवरऑल अब मेकअप देख रहे हो, मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ क्योंकि आप मानसून के लिए मेकअप पेस बना रहे हो ना, तो आप जानते हो आपको मॉइस्ट फ्री मेकअप करना ज़रूरी है एंड अगेन आपको स्वेट प्रूफ भी मेकअप करना ज़रूरी है। सो इसके लिए हमने जेल वाला अपना क्रीम अप्लाई किया था। एंड अगेन यहाँ पे मेकअप फिक्सर को जब भी आप लगाते हो ना तो दूर से लगाना, नज़दीक से कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। एंड मस्करा मैं यहाँ पे हाइपर कर्ल मेबलिन का मस्करा यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक। एंड ये ईयरिंग मेरा मीशो का है गाइस, अगर आपको कोड चाहिए होगा तो कमेंट डाउन ज़रूर करना। एंड ये टॉप कहाँ का था, आई थिंक फ्लिपकार्ट का था, या फ्लिपकार्ट का ही था। और मैंने पोनीटेल करके अपने लुक को कम्प्लीट कर लिया गाइस। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो और ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो सो स्टे कनेक्टेड विद मी। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस माई नोटिफिकेशन। एंड गाइज आज मैंने जो लेसेस लगाया है ना, ये नेचुरल वाले लेसेस है एंड अगेन ये मेरे मैग्नेटिक आई लेसेस है, काफ़ी अफोर्डेबल है और ये हर प्राइस में आपको अवेलेबल है। ये मैंने तो एक किट में लिया था जिसमें सारे अलग अलग साइजेस अवेलेबल थे और इसका रिव्यू मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएगा गाइस। एंड ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।